खरीदारी किससे करे और किससे ना करे, ये हमारी मर्जी है। हम सामान किससे खरीदे और किससे ना खरीदे, ठीक है? और दुकान पर हिंदू लिखाना, भगवा झंडी लगाना, ठेले पर भगवान की तस्वीर लगाना, ये सब कब से अपराध हो गया हिंदुस्तान में? ये मेरी मर्जी है, ये मेरा हक है, मैं किससे सामान खरीदूं और किससे ना खरीदूं। दिस इज माय राइट टू परचेज। तुम सब्जियों पर थूक लगाओगे, तुम फलों पर थूक लगाओगे और यूरिनेट करोगे उन पर, तुम पुलिस पर पत्थर फेंकोगे, डॉक्टर और नर्स पर हमला करोगे और हम तुम्हारा बहिष्कार भी ना करें। समझ कर रखा है तुम लोगों ने? और सुनो, इस देश में आमिर खान की बीवी को डर लग सकता है, हामिद अंसारी को डर लग सकता है, जावेद अख्तर को डर लग सकता है, शबाना आजमी को डर लग सकता है, तो फिर डर तो मुझे भी लग सकता है। मुझे भी थूक के कारण किसी जमाती से सब्जी खरीदने में डर लगेगा, मुझे भी फल खरीदने में डर लगेगा। इनकी हरकतों के कारण लॉकडाउन के बाद हेयर कट के लिए किसी जमाती की दुकान पर जाने से मुझे भी तो डर लग सकता है। लॉकडाउन के बाद किसी जमाती पंचर वाले की दुकान पर जाने से मुझे भी डर लगेगा। मोटरसाइकिल या कार ठीक करने वाला अगर जमाती होगा तो मुझे भी उससे ठीक करवाने में डर लगेगा। अब मुझे भी किसी जमाती के रेस्टोरेंट में खाना खाने से डर लगेगा, न जाने उसने कहां थूक मिला रखा होगा। जिस अस्पताल का मालिक जमाती होगा या वहां का कोई डॉक्टर जमाती होगा या नर्स या कंपाउंडर जमाती होंगे, तो मुझे भी उस अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाना है। मैं उस जिम में नहीं जाऊंगी जिसका मालिक जमाती होगा या वहां का कोई ट्रेनर जमाती होगा। अब मैं किसी ट्यूशन सेंटर में नहीं जाऊंगी जिसका मालिक जमाती होगा या वहां का कोई ट्यूटर जमाती होगा। अब मैं किसी जमाती किराने वाले की दुकान पर नहीं जाऊंगी, ना ही जमाती कपड़े वाले की दुकान पर जाऊंगी, ना ही टीवी एसी या फ्रिज वाली दुकान से खरीदारी करूंगी। जिनके बर्गर जमाती हैं, मैं उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदूंगी, क्योंकि इन थूक वाली घटनाओं ने मुझे डरा दिया है। जिनके कारण मैं जीवन खतरे में आता हो, उन लोगों से बचने का प्रयास करना मेरी मजबूरी है, मेरा धर्म है। मुझे भी अपने आप को बचाने का अधिकार है। आई हैव माई राइट टू लाइफ, मुझे भी जीने का अधिकार है। सो आई हैव माई राइट टू परचेज ऑल्सो। और भारत का कोई कानून मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से खरीदारी करने से नहीं रोक सकता है। आई हैव माई राइट टू परचेज। और सुनो, मैं किसी को धमका नहीं रही हूँ, भड़का नहीं रही हूँ, मैं केवल अपने डर की बात बता रही हूँ। और लोग खुद समझदार हैं, वो जानते हैं उन्हें क्या करना है लॉकडाउन के बाद, किससे सामान खरीदना है और किससे नहीं खरीदना है। जय राम जी की।